नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। दिल्ली में कोरोना को लेकर जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई ऐसे सरकारी और निजी संस्थान हैं जहां पर अब लोगों को मतलब समझ लीजिए कि कम कर दिया गया है, ऑल्टरनेटिव डेज पर लोगों को बुलाया जा रहा है। और इन सब के अलावा कई ऐसे तबके हैं जिनके रोजगार पर मार पड़ रही है, और इनमें वकीलों का जो तबका है वो भी शामिल है। और इसी को लेकर दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन रमेश गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, और साथ ही साथ वो इस दौरान इमोशनल होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस वक्त वकीलों के बुरे हालात हैं और उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं जिनको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि हम भी असहाय हैं, हम क्या करें। सबसे पहले तो वकीलों की तरफ से जो अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई उसको लेकर रमेश गुप्ता ने क्या कहा, ये मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा, हर रोज 20 वकीलों की मौत की खबर सुनाई दे रही है। अदालत के सामने रमेश गुप्ता बाकायदा भावुक हो गए, रोने लगे और उन्होंने कहा कि सर, हम पूरी तरह से असहाय हैं, किसी को ना अस्पताल दिला पा रहे हैं, ना ही हम ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर पा रहे हैं। हमारे सामने लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने ना हम केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं और ना ही दिल्ली सरकार को। हम बस चाहते हैं दूसरों की मदद करना, और इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी भी मदद की जाए। इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि देखिए, आप जितनी भी सुविधाएं मांग रही हैं जिनमें कि आईसीयू बेड शामिल हैं, लेकिन आप ये बताइए आईसीयू बेड है कहाँ, हम भी असहाय हैं। दिल्ली में जो हालात हैं उनसे हम सब जूझ रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं, हम सब जूझ रहे हैं। इसके बाद फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आप बताइए कुछ हो सकता है, कुछ मदद हो सकती है, और इसके अलावा कोई इंतजाम ऐसे किए जा सकते हैं जिनसे इनकी मदद हो सके। तो दिल्ली सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितनी कोशिश हो रही है, जमीनी स्तर पर इसका असर कैसे दिख रहा है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। खैर, आप बताइए, जिस तरीके से वकील भावुक होकर अपनी बात रखते हुए नजर आए और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम खुद असहाय हैं, हम क्या करें, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।